हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फ्यूर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी जो बात होगी वो आप सभी से RRC ग्रुप डी का जो अभी जो रिमेनिंग बच्चे जो बचे हुए हैं उनका जो रनिंग है उसके रिगार्डिंग बात होगी और उन पर बहुत सारे अभी टिप्पणियाँ चल रही है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, अभी मेरा मोटो यह था कि फाइनल एक पॉइंट्समैन के थ्रू आपसे बात कराने वाले था कि उसका क्या है सैलरी वगैरह या उसका लाइफ स्टाइल कैसा है और सारे पोस्ट का, लेकिन थोड़ा इधर अभी देखिए ठंडा का प्रकोप चल रहा है तो नहीं हो पाया, तबीयत ख़राब हो गया। फिर भी अब देखिए, अभी मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे या और जगह पे पता लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे इतना फेल हो गया, यहाँ पे इतना फेल हो गया, यहाँ कल उतना फेल हुआ, आज इतना फेल हुआ। अरे यार सब कोई सॉरी अभी सब कोई केवल अगर फेल का ही बताएगा, सब कोई केवल फेल बोल रहा है, कोई यह नहीं बता रहा है कि कितना पास हुआ। आप पॉजिटिव बात भी तो कभी कर लिया करो भाई। मेरा यह सजेशन है, जैसे मान लीजिए रिजल्ट तो एक ही का होने वाला है 5 में से फाइनल मेरिट, यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और जो दौड़ रहा है वो भी जानता है, बाकी सारा लोग जानता है। लेकिन क्या कभी किसी को कहा गया है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा? सभी का होगा। तो पहले ही जैसे रनिंग किसी का भी हो सकता है, पहले ही रनिंग में केवल फेल ही क्यों बता रहे हो? आप पास भी तो बताओ कि इतना लड़का उसी चीज़। जैसे मान लीजिए अगर हम मैं आपको बोल रहा हूँ कि 60% फेल हो रहे हैं, इस जगह पे मैं बोल सकता हूँ कि 40% पास हो रहे हैं। अच्छा वे में देखिए, आप देखिए जो मेहनत किया है उसका तो सिलेक्शन सियोर है कि होगा, उसका तो कोई नहीं छाँट सकता है उसको। और जहाँ तक रही बात पास का, तो जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, अभी आपको इस वीडियो में भी अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा जो कि सिलेक्टेड है वो कमेंट जरूर करें, अपने टाइमिंग को भी बताएं। इससे क्या होगा कि अभी आप बाकी जो बच्चे बचे हुए हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव रिव्यू जाएगा और उसके पॉजिटिव से होने से उनको फ़ायदा यह होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका रनिंग 4.5 मिनट से ऊपर में हुआ है लेकिन फिर भी वह सिलेक्टेड है, उनका फाइनल रिजल्ट हो रहा है। तो ऐसा कभी इन द सेंस गलत नहीं सोचिए कि जैसे कि यहाँ 1500 लोग फेल हो गए या यहाँ इतना, तो उसे क्या करना है, आपको अपना एक सेट लेना है। और पास तो 5 में से एक ही होंगे फाइनल में, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम हताश हो जाएंगे। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लास्ट में कोई किसी का रनिंग जो है ना ये निकालने के लिए ऐसा कोई स्टेमिना वगैरह अभी काम अब नहीं आएगा, अब आपका माइंडसेट जो है वही काम आएगा। तो इस माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव वे में रखिए, कहीं कोई आप ऐसे न्यूज़ से बचिए जो कि आपको डीमोटिवेट करता हो, ऐसा नहीं सोचना है। कल तो मैंने ये वीडियो बना पाया, कल ही एक मेरा दोस्त है उसका रनिंग 4:35 में होता था यहाँ पे, वो कल रनिंग निकाल के आया है 3:55 में। बताइए तो अब उसका क्या है, वो 3:55 में निकाल के आया, चार जिसका रनिंग 4:35 हो रहा है वह 3:55 में रनिंग निकाल रहा है। क्या अगर वह सोचता है कि बहुत लोग वहाँ बहुत लोग फेल भी हुए तो इसका मतलब क्या, जब सब फेल हो रहे हैं तो उसका नहीं होगा? तो ये सब आप सोच अपने अंदर से निकालिए कितना फेल हो रहे हैं। आप पॉजिटिव वे में रहिए, अगर आपने मेहनत किया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट ज़रूर होगा। तो आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं मैं तो उतना रनिंग किया हूँ, मैं उतना प्रेशर दे अब झेल रहा हूँ या मैं उतना वर्क कर रहा हूँ तो मेरा क्यों नहीं होगा। और रहा बात फाइनल सिलेक्शन का, तो वो भी होगा। इस बार बहुत कम नंबर बच्चों का, बहुत ज़्यादा उतना भी डिफरेंस नहीं है, तो अगर आप एक अच्छे खासे रेंज में होइएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, उसके रिगार्डिंग बात होगी। तब तक आइए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से ज़रूर, जल्द ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेडिकल और डीवी से रिलेटेड बात करने के लिए, थोड़ा इधर टाइम अभी मेरा भी इधर रिजल्ट वगैरह से रिगार्डिंग और भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास में हूँ जल्द से जल्द आपके पास वो वीडियो आए जिसमें मेडिकल का रिव्यू होगा और मैं अपना मेडिकल का भी शेयर करूँगा और साथ ही साथ आपका डीवी से रिगार्डिंग बात होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपके लिए यही मेरा यह सजेशन भी रहेगा और आप सभी के लिए दुआ भी रहेगा कि नहीं आप एकदम श्योर पॉजिटिव होके जाइए और आप अपना 100% देकर आइए, आप श्योर पास होंगे। दूसरे उससे मत सोचिए कि वह फेल हो रहा है, अरे उसी सीट में उसी रिजल्ट में पास भी तो हो रहा है, उससे क्यों नहीं आप अपने आप को तुलना कर रहे हैं? उससे तुलना कीजिए, आप उस पॉजिटिव में आपको आना है ना कि उन निगेटिव में। तो निगेटिव वाले से दूर रहिए, पॉजिटिव वाले सेंस में रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और अंतिम समय में अपने आप को जितना हो सके आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और जाकर के अच्छा से एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम सेंटर पे अभी भी मैं बोल रहा हूँ पहले पहुँचने की प्रयास कीजिए, बहुत सारी ट्रेन है जो लेट हो रही है क्योंकि ठंड और कुहासा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको समस्या ना हो वहाँ जाकर के। इसके लिए आप अपना प्लानिंग एक दिन पहले का ही कीजिए, अगर जैसे रनिंग परसों है तो आप प्रयास कीजिए कल सुबह वहाँ पहुँच जाएँ ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो,
फिर से ज़्यादा लेट होने से आपको रूम वगैरह कभी दिक्कत हो जाता है। तो इन सभी से बातों से बचने के लिए, सही से रनिंग के लिए आपको पहले जाना चाहिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।